तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए दो ऐसे सेटिंग लेकर आया हूं जो आपके घर में बैठे हुए सारे पोल खुलने से बचा सकती है, क्योंकि आज आप सभी घर में बैठे हो और सबका निगाह आपके फोन के ऊपर होगा कि यार ये दिन भर अपने फोन में करता क्या है, किससे बातें करता है, क्या क्या चीजें देखता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा कोई भी सीक्रेट लीक ना हो, कोई भी पोल मेरा ना खुले, तो आप दूसरी जो वीआईपी सेटिंग है उसे आप देखकर ही जाइएगा, और इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा क्योंकि आपका सीक्रेट खुलने से मैं रोक रहा हूँ, बचा रहा हूँ आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों पहली ट्रिक बहुत ही कमाल की है और वो है आपका फेक स्क्रीन। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक गैलरी का और दूसरा स्टार्ट का। अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, और अगर आप गैलरी पे क्लिक करके कोई फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पे आपका फोटो दिखेगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन आ गया, इसे मैं अभी 0% कर देता हूँ। और जीरो करने के बाद यहाँ पे आप इसे मूव भी कर सकते हैं, कहीं भी इसे रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसी दौरान मेरे पास कोई आ गया, अचानक से कोई आ गया, और अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को यहाँ पे 100% कर दूंगा। और देख सकते हैं अब मेरे स्क्रीन पे पूरा ब्लैक दिख रहा है, सिर्फ ऊपर में स्टेटस बार दिख रहा है, नीचे में यहाँ पे नेविगेशन बार दिख रहा है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा है। अब किसी को अगर मैं अपना फोन दे देता हूँ वो कुछ भी मेरे फोन में करेगा, यहाँ पे कुछ वर्क ही नहीं करेगा। देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा है। और जब आपको इसे वापस से इस्तेमाल करना होगा तो यहाँ पे आप इसे वापस से 0% पे कर दीजिए, और आपकी स्क्रीन में सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रिक सिर्फ आपको ही पता होगी, और ये बिल्कुल ही नई ट्रिक है, और अभी अभी आपको मैं बता रहा हूँ, तो इससे लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक दूसरी वीआईपी सेटिंग बताऊंगा, और वो सेटिंग बहुत ही कमाल की है। पहले एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। अगर आप अपना फ़ोन कहीं भी छोड़ देते हो और कोई दूसरा चाहेगा भी कि आपका फ़ोन इस्तेमाल करना, तो जब तक उसे ये ट्रिक पता नहीं होगी वो आपका फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कैसे, आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे मेन्यू बटन पे क्लिक करके और जिस भी आइकन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिन का। अगर आप इस एप्लीकेशन को पिन कर देंगे तो वो आपका यही एप्लीकेशन ओपन रहेगा, और इसके अलावे आपके फ़ोन में कोई चाहकर भी दूसरा एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकता। ये देखिए मैं बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बैक हो रहा है, लेकिन ये एप्लीकेशन से ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से बैक हो गया, लेकिन सेटिंग से मैं एग्जिट हो ही नहीं रहा हूँ। ना यहाँ पे मेन्यू खुल रहा है, ना ही बैक हो रहा है, और ना ही होम बटन काम कर रहा है। तो ये आपके लिए फिर कैसे काम करेगा? तो आपको यहाँ पे बैक बटन और मेन्यू बटन को एक साथ प्रेस करना होगा, तो फिर आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा, और लॉक होने के बाद आप जब फिंगरप्रिंट लगाएंगे तब आपका ये फ़ोन अनलॉक होगा। तो अगर आप बाई चांस अपना फ़ोन लॉक करना भूल गए, तो ये ट्रिक को लगाकर अगर आप छोड़ देते हैं जी, आपने क्रोम ब्राउजर को लॉन्ग प्रेस किया और यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को पिन कर दिया, और आप अपना फ़ोन कहीं भी छोड़ दिए, टेबल पे छोड़ दिए, तो जो भी कोई अगर आएगा तो वो सिर्फ क्रोम ब्राउजर ही आपका इस्तेमाल कर पाएगा, और इस क्रोम ब्राउजर से ना वो बैक हो पाएगा और ना ही आपका कोई रिसेंट एप्लीकेशन भी देख पाएगा। तो जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपका अचानक से सीक्रेट ना चेक कर ले, तो आप ये वाला सेटिंग लगाकर अपना फ़ोन छोड़ दीजिए, और उसके बाद यहाँ से कोई और कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और जब आपको कुछ इस्तेमाल करना होगा तो यहाँ पे आप बैक बटन और मेन्यू बटन को एक साथ प्रेस कीजिए, तो ये आपका स्क्रीन पिनिंग हट जाएगा, और हटने के बाद आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो आप फिंगरप्रिंट लगाइए और आपका ये अनलॉक हो जाएगा, और अब आप इसे बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कमाल की दो सेटिंग जो आज मैंने आप सभी को बताया, और ये दोनों सेटिंग अगर आप किसी को शेयर करते हो, बता देते हो, तो भाई फिर आपका क्या राज रह जाएगा, फिर तो सब राज खुल जाएगा। तो किसी को भी मत बताइएगा ये सब सेटिंग।